अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, खैरियत है, उम्मीद करता हूँ सारे सही हो गए। आई होप ऑल यू आर फाइन। तो मैंने आज एक चीज़ देखी यार, जो लोग हमारा आज मजाक उड़ाते थे पहले, आज वो लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें मैंने देखी और पहले भी मैं देखता आ रहा था, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ मैं। और जो लोग कॉपी कर रहे हैं, सब उन लोगों के लिए, और जिनको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें भाई ये हैं। और उसके साथ साथ ही आज मेरा दोस्त मेरे साथ आया भाई, हारिस। हाँ भाई, रऊफ, हारिस रऊफ, क्या हाल है, ठीक ठाक, खैरियत है। तो यार मुझे आप एक चीज़ बताओ, जो लोग कॉपी करते हैं तो उनके बारे में कुछ बोलो आप। यार क्या बोलेंगे, बस वो कॉपी करेगा तो उनके लिए तो थोड़ा वीडियो बनाना भी पड़ेगा ना, तो हम जैसा आप जैसा नहीं, ताकि जहाँ तक वहाँ ये बात पहुँच सके। देखो, जो लोग हमें मजाक उड़ाते थे हमारा, और आज वो लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे मुझे अपने आप पे जो है बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो भाई आप लोग का बहुत थैंक यू यार, आप लोग की मेहरबानी है कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो आप हमें कॉपी करते रहो, बहुत मज़ा आने वाले आगे आएगी। वैसे तो ये सारी फजूल बातें जो मैंने की, मगर ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन लोगों को बताने के लिए ज़रूरी था कि भाई ये जिन लोगों का मजाक उड़ाते हो ना, उन लोगों का मजाक कभी मत उड़ाओ। आपको नहीं मालूम कि वो कब वक्त बदल जाए, कौन कहाँ पहुँच सकता है। सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? तो ये मेरा दोस्त भी बता रहा, पाकिस्तान से ये कतर आया है, ये इसको भी नहीं मालूम था ये कतर आएगा, मगर आया। ये सारी नसीब की बात होती है। और उसके साथ साथ भाई हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर ये देखने वालों को जो समझ चुके हैं कि मैं किन की बात बोली, किन को मैंने कहा, तो यार माजरत उन सब के लिए, मगर आइंदा से ख्याल रखना। और अपना अल्लाह।